अयोध्या मामले पर अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन इस मामले को लेकर जनपद में अभी भी पुलिस हाई अलर्ट पर है और ऐसे लोगों पर निगाह रख रही है जो समाज में तनाव बढ़ाने की फिराक में है या फिर ऐसा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मझोला थाना पुलिस ने सांप्रदायिक बयान देने के आरोप में हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रियांशु जोशी को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय विशेष के खिलाफ बयान दिया था जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। बयान जारी होने के कुछ देर बाद ही सक्रिय हुई पुलिस ने प्रियांशु जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि प्रियांशु जोशी ने आपत्तिजनक बयान दिया था जिससे समुदाय विशेष में नाराजगी या फिर तनाव की स्थिति बन सकती थी, लिहाजा अब उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। यहां बता दें कि अयोध्या फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर और सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट थी जिस कारण शहर में शांतिपूर्वक माहौल रहा और कहीं भी कोई भी घटना नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके कुछ शरारती तत्व अभी भी समाज का माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन आज यह कार्रवाई करके पुलिस ने ऐसे असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा दिया है। मेरे गुरु जी के बलिदान व्यर्थ कभी नहीं जाएंगे। हमें हिंदुत्व दिखाना है कि आज अयोध्या में राम मंदिर गुरु जी की देन है। संघर्ष किया था उन्होंने, ताकत लगाई थी, आज ये जनमुक्ति के जयचंद आके वहां पे राजगद्दी में बैठ गए। हमें गद्दी का तो शौक ही नहीं है, हमें हिंदुस्तान को हिंदू स्वराज बनाना है, इस्लाम मुक्त भारत बनाना है और हम बनाएंगे, मेहनत करेंगे। क्यों आप ये बताइए कि सत्ताधारी माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आपके राज में पुष्पेंद्र यादव जी का एनकाउंटर हो जाता है जिसकी आवाज किसी ने नहीं उठाई, हिंदू समाज पार्टी के गुरु स्वर्गवासी श्री कमलेश तिवारी जी ने आवाज उठाई, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किए गए, तब तो हमने कोई यादव नहीं देखा। वाल्मीकि एक परिवार था जिसके बच्चे को काट दिया गया था, तब हिंदू समाज पार्टी ने आवाज उठाई। हमें जाति से मतलब नहीं है, ना तो मैं वाल्मीकि हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं जाटव हूँ, और ना मैं चौधरी हूँ, ना मैं गुजर हूँ, ना मैं कास्ट हूँ, ना मैं बनिया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू हूँ। तो एक बार जोर से बोल दीजिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रियांशु जोशी एक हिंदुवादी नेता, उनके द्वारा एक टिप्पणी करी गई थी सोशल मीडिया पर, क्या पूरा मामला था, क्या कार्रवाई की गई? ये 14 नवंबर को इनकी एक कोई मीटिंग थी जिसमें इन्होंने एक विवादित सांप्रदायिक बयान दिया था जिसका संज्ञान ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि इनके द्वारा ऐसा बयान दिया गया जिनसे इनसे पूछताछ की गई और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि इस तरह का उनके द्वारा बयान किया गया है। तो ये थाना मझोला के निवासी हैं, तो इनके मंझोला थाने में इनके ऊपर मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इन पे ये जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जो धाराएं होती हैं वो लगाई गई हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।